नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। अब खबरों में रुख करते हैं करनाल की सबसे बड़ी खबर की ओर, जहां सरकारी राशन के डिपो में गरीबों के लिए आने वाला आटा एक बार फिर विवादों में आ गया है। बात करते हैं इंद्री के राशन डिपो की, जहां लोगों ने आटे में लकड़ी का बुरादा तक आने के आरोप लगाए हैं। बड़ी बात यह है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री करण देव कांबोज के ही विधानसभा क्षेत्र में खराब आटा भेज दिया गया है। इंद्री के वार्ड नंबर 13 में रविवार को आटे में कीड़े देखकर महिलाओं ने रोष जताया। राज्य मंत्री करण देव कांबोज के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। गुस्साई महिलाओं ने यहां तक कहा कि राज्य मंत्री खुद इस आटे की रोटी खाकर दिखाएं, वह मान जाएंगे। महिलाएं यही नहीं रुकी, उन्होंने मांग कर डाली कि आटे की बजाय पहले की तरह फिर से गेहूं दी जाए, ताकि इस भ्रष्टाचार से उन्हें मुक्ति मिल सके। बता दें कि इंद्री एरिया में जो आटा आया है वह SPR फूड संभालका का है। बीते अप्रैल में भी यह फ्लोर्स मिल विवादों में रह चुका है, तब भी खराब आटे की सप्लाई से काफी विवाद हुआ था। यही नहीं, आटा आवंटन के मामले में DFSC कुशल बुरा का ट्रांसफर तक कर दिया गया था। आप देखिए पहले हमारी रिपोर्ट। आपका नाम? हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? हम सिर्फ ये कहना चाहें सरकार को कि जो भी आटा है ना, हम आटे के बदले अपनी गेहूँ चाहते हैं, क्योंकि गेहूँ को धोएंगे, अच्छी तरह पिसवाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ कोई दिहाड़ी मिल तो है नहीं, हम शहर के अंदर बैठे हैं कमेटी के, कोई अनाज नहीं काटना कि हम साल भर का अनाज अपना कर ले। हम सिर्फ इस आटे के ऊपर ही हैं, जो 35 किलो आटा है हम अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। और वही आटा ऐसे भी नहीं किसी पशु को ही दे दें, पशु वाले भी लेते इसको, तो इतने बड़े बड़े कीड़े इसमें चल रहे हैं। तो मौके के विधायक भी खाद्य पूर्ति मंत्री है, तो उनको भी आप लोगों ने शिकायत की है? शिकायत की है मैं, यानी कि हमने जब भी इसमें कीड़े आए ना, तो हमने फेसबुक पे या पूरे उस पे डाल दिए। क्या आज तक किसी खाद्य मंत्री को किसी को सुनाई नहीं, दिखे नहीं है इसमें भी क्या चीज डाल के बोल के डाल लिया है कि भी गांव गुड़े के अंदर ऐसे ऐसे है, अभी आटे में इतना कीड़ा पड़ रहा है कि उसको खाना तो बहुत दूर की बात है, देख नहीं सकता इंसान। और क्या उसका अभी तक किसी को कोई भी दिखाई नहीं पड़ा या कुछ? तो प्रशासन का आदमी कोई देखने नहीं आता? कोई नहीं आया आज तक यहाँ, कोई हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आपको? भाई ये कोटे में जो आटा मिला नहीं, इसमें कीड़े आवा, लकड़ी का बूरा आवा, हम ही क्या कहना चाहो, अभी कणा खानी चाहिए भी, गरीब आदमी के खावा खा कर ना बीमार होवा। इबाक पहले कणा का करते पुसवाला ते दो दाका ई भी ना के वाला आटा ना कितना खावा थोड़ी कटाया से भाई, मारी या मांग है भी कणा खानी चाहिए, आगा भी आटा नहीं आना चाहिए। तो ये खाने लायक नहीं आटा? खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, कितने लंबे लंबे तक कीड़े चल रहे हैं, दोबारा पुसवाला पर इतना नहीं होना चाहिए। कोटे में डंगरों की सानी में पहले सारी सुन लिया थी, कणक बेच जाते सारी दाल दूध सारा कुछ बेच जाते, तो सरकार के अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते इसकी? नहीं दे रही कोई, लापरवाही बरत रहे। आपका नाम? दर्शना। आज क्या कहना चाहोगे आप? हम ये कहना चाह भाई, ये जो सरकारी राशन का आटा मिल रहा है कोटे में, ये कीड़े वाला आटा आता है, और गरीब आदमी ने यू ही सारा भी चल कोटे में तो लेकर खा ले। कणक बेचने थे दो बारी पसुआ ला थे, उन्हें कीड़े कीड़े तो 8 दिन भी नहीं रहने हैं, इन्हें तो 8 दिन ही रख सकते हैं बताए, इन ये मंत्री खा लेंगे कीड़े आने आटे की रोटी, हम खा कर बीमार हो जाएंगे, बता बीमार हो रहे हैं, 70 डाल के शरीर में वो लग रहा है, फिर बताए खुद सबूत था, ये तो मैंने प्रांत में खाए कीड़े चल रहे हुए हैं, मोटे मोटे कीड़े चल रहे थे उसमें। तो क्या क्या मांग करते हैं? हम यह मांग कर रहे भाई, आए महीने की हूँ मिलनी चाहिए, कणक मिलनी चाहिए, वो आए हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? अच्छा, तो कितने आटा खाने लायक है ये देख लो, तो कितने समय से आ रहा है ये समस्या? पिछली बार भी शिकायत की थी कोई, मतलब तो प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता इसकी तरफ, बीच में सिर्फ एक बार ही खाया उसके बाद फिर ये। अच्छा, तो क्या मांग करते हो आप लोग? हमारी कणक खानी चाहिए। अच्छा, कणक खानी चाहिए। बता दें कि इस आटे की सप्लाई से पहले इसकी जांच पानीपत में होती थी। हैफेड DM पानीपत कृपाल सिंह सहित कई अधिकारियों की कमेटी की देखरेख में बकायदा आटे की लैब में टेस्टिंग करवाई जाती है, तब जाकर इसे डिपो में सप्लाई किया जाता है। खराब आटे की सप्लाई से इस कमेटी की कार्य प्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई है।
हैफेड डीएम कृपाल सिंह का कहना है कि लैब में टेस्टिंग के बाद ही सप्लाई भेजी गई है। बता दें कि इंद्री में करीब 4700 क्विंटल आटा 70 डिपो में आना था, इसमें से 2300 क्विंटल आटे की सप्लाई आ चुकी है। वहीं एसपीआर फूड्स के मालिक राहुल गुप्ता का कहना है कि उनके मील का आटा एकदम सही है, मैं अपने कर्मचारियों को भेज दूंगा, वह खुद जांच कर लेंगे कि दिक्कत कहां है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।